टाटा आईपीएल 2023 के वो हिटर जिनको सबने जाना और जिनकी जो आतिशबाजी जो पारी थी पांच बॉलों में लास्ट ओवर में जो है उन्होंने पांच छक्के मारे थे, ऐसे रिंकू सिंह हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। रिंकू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में, पिछले कई दिनों से आप उत्तराखंड में हैं। क्या कुछ एक्सपीरियंस था जब आप खेल रहे थे उस समय और क्या क्या कुछ सोच के आप ग्राउंड में गए थे और किस तरह का एक्सपीरियंस था? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं बिल्कुल एकदम दिमाग से एकदम बिल्कुल खाली गया हुआ था। अच्छा। और उस टाइम मतलब इतना अच्छी बैटिंग हो नहीं रही, 14 बॉल 8 रन थे तो दिमाग में ही था कि अच्छी बैटिंग नहीं। जब सेकंड लास्ट ओवर में छक्का लगा चौका लगा फिर लास्ट ओवर, मुझे खुद ही नहीं पता था कितने रन चाहिए लास्ट ओवर में, जो मैं जो सच बात है तो फिर मैंने ऐसे में मारता गया ठीक है लग रहे हैं ठीक है। जब 3 छक्के लगे तो मैंने स्कोर बोर्ड देखा तो वहाँ से मैंने जब देखा तो 2 बॉल 10 रन चाहिए थे, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया थोड़ा कि हाँ मैच जीत सकते हैं। ओके। तो वहाँ से बस ऊपर वाले ने सुना और 2 छक्के और लग गए और मैच जीत गए थे। अच्छा, हमने वो सेलिब्रेशन की वीडियोज़ भी देखी जब आप होटल में आए थे, मतलब पूरा सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया था उसके बाद जब आप पवेलियन लौटे, जब तो किस तरह का उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में? काफ़ी चेंजेस आए क्योंकि बहुत रेयर होता है 5 बॉल पर 5 छक्का और मैच जीतना उस टाइम पर, सब मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैच नहीं जीत पाएंगे, वहाँ से मैच जीतना बड़ी बात, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्यार मिला, बहुत मतलब सपोर्ट मिला तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिल गया। अच्छा, उसके बाद एक दबाव बढ़ जाता है जब आप ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने के लिए आते हैं तो सब कोई आपको आपसे उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो ये पारी खेलने के बाद आपका डोमेस्टिक हो या फिर अन्य मैचों में किस तरह का आपके ऊपर प्रेशर रहता है और किस तरह से आप सोच के जाते हैं ग्राउंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं लीड आप ही कर रहे होते हैं, पूरा टूर्नामेंट का फोकस आप ही बन जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ कि सर लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मतलब मैं जो मेरा गेम है वही खेलता हूँ, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। अब क्रिकेट है सर, आउट और कब आउट भी होते हैं, रन भी बनते हैं, तो पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल, तो लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ें। अच्छा, उस सेलिब्रिटीज़ के कई फ़ोन आए हमने सुना लगातार आपको इसके बाद, और कई लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, तो किन किन से कहाँ कहाँ से आपको संपर्क किया गया और इसके बाद सर? नहीं कभी लोग मतलब बड़े बड़े लोगों के मैसेज आए हैं, रजनीकांत सर का मैसेज आया था। अच्छा। अभी अक्षय कुमार सर का आया था। अच्छा। आरती कारण, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मैसेज किया, बड़ा प्यार दिया लोगों ने, इतने इतने बड़े लोगों ने मैसेज किया तो काफ़ी अच्छा लगा। देश का एक बड़ा यूथ आपको फॉलो कर रहा है इस समय इंस्टाग्राम पे, तमाम जगह आप जो भी आप फोटो डालते हैं सब जगह देखते हैं, क्या है आपका प्लान आगे? आपकी शादी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपके आगे जो क्रिकेट फ्यूचर है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा? अभी तो कुछ प्लान नहीं है सर, जैसे अभी अपना वर्कआउट मतलब जो प्रैक्टिस अभी चालू करी है फिर से जो नॉर्मल है, तो वही जिम विम जो अपना बस वही ट्राई कर रहे हैं। तो ये है रिंकू सिंह जिनका पूरा फोकस, चाहे उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए, उनका पूरा फोकस उनके अपने गेम पर है और उनका कहना है कि लगातार वो गेम में आगे बढ़ेंगे और गेम में लगातार अपना फोकस करेंगे। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।